हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ समर स्पेशल चावल की यह खट्टी मिट्टी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। आइए अब बिना कोई देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चावल की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको लगभग 250 ग्राम के करीब चावल को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है लगभग 2 से 3 घंटे तक। आपको यहाँ पर बासमती चावल की टुकड़ी लेना है या फिर जो वाइट कलर के परमल चावल आते हैं वो लेना है। आप पूरे बासमती चावल इसमें ना लें क्योंकि उसका टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता है। मैंने यहाँ पर बासमती चावल की टुकड़ी ली है, उसको बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर छाछ और दही दोनों लिया है। मैंने यहाँ पर आधा लीटर छाछ और आधा किलो दही दोनों लिया है। अब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसमें डालते जाएंगे। मुझे लगभग दोनों ही आधा लग गया था, आधा लीटर छाछ और आधा किलो दही। मैंने यहाँ पर छाछ और दही दोनों डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया है जिसको कि मैं बाद में ऐड कर लूँगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब कूटी हुई सौंफ। इसको थोड़ा सा कूट लिया है मैंने, एक फुल चम्मच भर के लीजिएगा। आधी चम्मच के करीब काला नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। आप जीरे को भून कर ही डालें इसमें। 2 से 3 चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें चीनी। चीनी की क्वांटिटी आपकी दही या छाछ की खटाई के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी दही या छाछ कितने खट्टे हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दही और छाछ लिए है, इसलिए मुझे यहाँ पर 3 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ी है अभी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पहले से स्पून की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लें। अगर नहीं होता है तो आप हाथ अच्छी तरह से धोकर और अपने हाथों से ही इसे अच्छे से मैश करें। ये देखिए, अभी ये चम्मच से अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर हाथ से अच्छे से इसे मिक्स करूँगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चावल लिए हैं वो ठंडे हैं, इसकी वजह से ही वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है स्पून से। इस तरह से हमें हाथ से इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं अभी इसकी थिकनेस, ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। अभी हमें थोड़ा और लिक्विड करना है। जो दही और छाछ हमने बचाए थे आधा लीटर और आधा केजी से, तो वो इस टाइम हम सारा ऐड कर देंगे। फाइनली मुझे यहाँ पर आधा लीटर छाछ और आधा केजी दही लगा है, मैंने यहाँ पर सारा यूज़ किया है। अब देखिए इसकी जो थिकनेस, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप मेरी रेसिपी चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की शॉर्ट एंड स्वीट रेसिपीज़ लाती रहूँगी। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।